वो आईना जरूर दिखाए। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पृथ्वीपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध गांजे की खेती करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आरोपी के पास से लगभग 22 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। तो बड़ी खबर, आरोपी सियाराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 22 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो जिले में लगातार पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय होकर लगातार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं एसडीओपी संतोष पटेल के नेतृत्व में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं पृथ्वीपुर के चंद्रपुरा गांव की, जहां पर एक किसान को गांजे की अवैध खेती करते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। पृथ्वीपुर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अवैध गांजे की खेती पर पुलिस प्रशासन की टीम ने शिकंजा कसा है। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और 22 किलो गांजा बरामद किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम अवैध गांजे के पेड़ों को उखाड़ रही है और इन पेड़ों से पुलिस ने लगभग 22 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि लंबे समय से गांजे की खेती कर रहा था। लगातार पुलिस को इसकी शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? सर मैं बताऊं, जैसे थाना पृथ्वी के अंतरपुर चंद्रपुरा गांव में सीताराम आदिवासी लंबे समय से गांजे की खेती कर रहा था, जिसकी पृथ्वीपुर एसडीओपी को जानकारी लगी तो कुछ पुलिस बल के साथ गांव में चंद्रपुरा पहुंचा। वहां की जांच देखा गया तो काफी मात्रा में गांजे की खेती का उपयोग कर रहा था आरोपी। जी सर, तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया, इसके साथ और भी अन्य लोग शामिल थे या फिर ये अकेला ही इस गांजे की खेती को अंजाम दे रहा था? रेट मारी तो आरोपी अकेला ही था। इसके बाद उसके लड़का, उसकी पत्नी वहां से भागने में कामयाब रहे। तो क्या इस गांजे की खेती के तार अन्य जगह पर भी जुड़े हैं? कहां पर ये सप्लाई करता था गांजे को, लोगों का अभी तक पता चल पाया? अन्य जगह जैसे हैं, जैसे पृथ्वी विधानसभा चुनाव है, आए जगह छापा शराब पकड़ी जा रही है और गांजे की भी दस्तावेज करी जा रही है। इसके लिए निवाड़ी एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं पृथ्वीपुर एसडीओ को, जहां काले नंबर दो के धंधे चल रहे हैं वहां पे जाके खुद देख पताल करें और नशे की ऐसी कोई चीज पृथ्वी उठाने की चीज अंदर ना पाई जाए। कितने गांजे के पेड़ जब्त किए? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम गांजे के पेड़ उखाड़ती देखी जा रही है। 10 से 15 के बीच में पेड़े मौजूद थे। कितना गांजा इसमें से बरामद हुआ, 22 किलो या इससे ज्यादा था? 22 किलो से ज्यादा था, लेकिन सर बताया जा रहा है पृथ्वीपुरम में 20 किलो या 22 किलो बताया गया है थाने के अंदर। लगभग कितना गांजा होगा? लगभग इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीधी तस्वीरें पृथ्वीपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध गांजे की खेती करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सियाराम लंबे समय से अवैध गांजे की खेती कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये पुलिस प्रशासन की टीम अवैध गांजे के खेत में पहुंची और अवैध गांजे के लगभग 15 से 20 पेड़ों को उखाड़ा गया है। इन पेड़ों से 22 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। चंद्रपुरा गांव का ये मामला है जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो पुलिस प्रशासन की टीम सक्रिय रूप से लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध गांजे की खेती पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन को निर्देश है कि जो भी अवैध कारोबार हैं, अवैध तरीके से जो काम चल रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। यही वजह है कि पृथ्वी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए इसी खबर पर एसडीओपी संतोष पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, पहले तो खबर भारत में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संतोष जी, आखिर कितना गांजा बरामद किया है और इस गांजे की खेती के तार कहां कहां जुड़े हैं? ये आरोपी कहां पर सप्लाई करता था
उस बारे में अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? आरती चंदपुरा गांव है, वहां पर अपना कुआं था, उसका खेत था, गांव से हटके लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका अकेला खेत था। वहीं पर वो खेत के पास है, कुएं के पास है, तालाब के किनारे जो नाला निकला हुआ है वहीं पर लगभग 30-40 पेड़ के आसपास लगाए हुए था। हमें सूचना मिली थी तो हम लोग मौके पर गए और पूरी जब्ती की कार्रवाई की है, और अभी विवेचना चल रही है। जैसा कोई अगर ऐसा हमें क्लू या कोई फैक्ट मिलता है कि ये बाहर सप्लाई करते होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। संतोष जी, जाहिर सी बात है, अवैध गांजे की खेती चल रही है तो कहीं तो सप्लाई होता होगा, कहीं तो इसके तार जुड़े होंगे। उस तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, और गांव है बहुत जंगली एरिया का गांव है, तो जैसा भी हमें कोई उनके मोबाइल नंबर से हैं जो उनकी हम CDR निकाल रहे हैं, और जैसी भी कोई ऐसा नंबर मिलता है हमें सभी की पड़ताल करेंगे। आज ही कार्रवाई हुई है तो टाइम लगेगा उसको निकालने में, तो जो भी रिजल्ट आएगा आपको बताया जाएगा। तो आरोपी के परिवार के किसी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की गई? आरोपी के परिवार में वही वो सिर्फ आरोपी था और उसकी पत्नी है, बाकी उसके बच्चे बाहर रहते हैं, दिल्ली में मजदूरी करते हैं, तो बिल्कुल। उससे पूछताछ कर ली है। अभी तक हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। संतोष जी, जैसा कि आपने बताया जंगली इलाका है, तो ये इस इलाके में सिर्फ एक ही जगह गांजे की खेती चल रही है या अन्य जगह पर भी इस तरह का ये पूरा अवैध गांजे का कारोबार चल रहा है? नहीं, अभी तो हमें जो जानकारी मिली है तो यहीं का मिला, हमने पूरे क्षेत्र में तलाश की है, अभी तक कोई ऐसी और जानकारी नहीं मिली, और यदि कोई मिलती है जानकारी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, पूरी पुलिस फोर्स प्रशासन। पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर आगे किस तरह का अभियान चलाया जाएगा और किस तरह से अवैध अभी गांजे की खेती यहाँ पर? चुनाव भी है, उसको मद्देनजर देखते हुए अवैध शराब, अवैध आर्म्स, अवैध NDTS जो भी चीजें पर हैं, गतिविधियां, सारी गतिविधियां बंद करने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में नाके लगाए गए हैं जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा में है, तो सारे अवैध मादक पदार्थों पर रोक लगा दी गई है और कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो यहाँ से सप्लाई हो। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष जी। तो सीधी तस्वीरें चंद्रपुरा गांव की, जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की, गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सियाराम लंबे समय से गांजे की खेती कर रहा था, मुखबिर की सूचना पर आरोपी को हिरासत